हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग स्टडी करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में दोस्तों चैप्टर 10 आज दी एंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें आज हम लोगों को जो हमारा तीसरा नियम बचा है दोस्तों, ट्रेपेजॉइडल रूल, इसको हमें पढ़ना है। हमने पहला पढ़ लिया है और दूसरा भी पढ़ लिया है, ठीक है। आपने इनके लेक्चर देख लिए होंगे और ये आज का लेक्चर नंबर 40 है, लेकिन इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तीन नियम थे तो तीनों पे मैंने एक एक लेक्चर आपका बना दिया, ठीक है। तो चलिए फिर ट्रेपेजॉइडल जो रूल है इसको हम स्टार्ट करते हैं। और आपका केवल और केवल चैप्टर नंबर 11 बचा हुआ है, जो कि आपके एग्जाम से पहले पहले फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आपका 25 को एग्ज़ाम है मैथ का, यस, मेरे हिसाब से तो लगभग ये दोस्तों आपका 21 तक आपका मैथ लाइक जो मैथमेटिक्स सेकंड है वो मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी 3 से 4 लेक्चर और डालने होंगे, तो अगर मैं डेली एक लेक्चर डालता हूँ फिर भी 21 तक हो जाएगा। लेकिन अगर एक दिन में शूट कर दिए तो वो एक ही दिन में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रोवाइड करते जाएंगे ताकि आपको एकदम से प्रेशर भी ना लगे। हालांकि आप चाहते तो यही हो कि सर एक दिन में डाल दीजिए पूरे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे पढ़िए आराम से, ठीक है। आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम से पहले पहले आपके ये जो है फिनिश हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग BME जिनके में भी ये सब्जेक्ट है आपका BMEE, ठीक है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और कहीं ये सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कहीं ये सब्जेक्ट है BMCE, ठीक है, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। पहले मैं आपका रिव्यू जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अगर PDF नोट्स चाहते हैं तो PDF नोट्स मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ समझना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम आपको पढ़ा तो नहीं पाए इस सब्जेक्ट को, ठीक है, स्टार्टिंग टू दी एंड, ठीक है, और फिजिक्स सेकंड भी नहीं पढ़ा पाए, तो हमने सोचा इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए क्योंकि ये सभी जो ब्रांचेस हैं उसमें कॉमन है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो बता दीजिएगा, और अगर आप थोड़ा बहुत कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी हम उसमें हेल्प आपकी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, जिस तरीके से आपके कमेंट रहेंगे उसी के हिसाब से ये करा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप पर डिपेंड है, आप कैसा चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका तीसरा नियम है दोस्तों ट्रेपेजॉइडल रूल, इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस रूल का यूज़ क्या है, सबसे पहले तो सबको पता होगा कि कोई भी अगर इररेगुलर शेप की बॉडी है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो अनियमित आकार की बॉडी होती है, ठीक है, किस तरीके की बॉडी, अनियमित आकार की जो बॉडी होती है, जैसे कि ये मैंने मान लिया, इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है या फिर वॉल्यूम निकालना है, इसके लिए ये जो तीनों की तीनों नियम है ये यूज होते हैं आपके, ठीक है। सिम्पसन का 1/3 नियम, सिम्पसन का 3/8 नियम, और ये जो ट्रेपेजॉइडल नियम है इसका भी आपका यूज जो है इसी के लिए होता है कि कोई भी अगर अनियमित आकार की आपका शेप है तो उसका हम एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ सुन लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है, इसलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो इस तरीके से भी आ सकता है कि इस क्वेश्चन को सिम्पसन के 1/3 नियम से हल करिए, या फिर ऐसा आ सकता है कि इस नियम को सिम्पसन के पहले नियम से हल करिए, तो वो मतलब है आपका 1/3 नियम का। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 3/8 से हल करिए तो कर दीजिए, लेकिन बोला है द्वितीय नियम से हल करिए तो फिर यही यूज करना है। अगर बोला है ट्रेपेजॉइडल से हल करिए, मतलब समलंबी नियम से हल करिए, तो यही लगाना है जो आज पढ़ाएंगे, या फिर नहीं बोला है, बोला है तीसरे नियम से हल करिए तो यही यूज करना है। तो इनको पहला, दूसरा, तीसरा नियम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमारा जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है इसमें हम करते क्या है, तो जो भी इररेगुलर शेप हमें दिया है उसको हम बराबर भागों में बांट लेते हैं, ठीक है, एन बराबर भागों में बांट लेते हैं, मतलब इनकी जो दूरी रहेगी, ये स्ट्रिप हम बना रहे हैं, ये जो दूरी हम लेंगे ये बराबर लेंगे, और क्या लेते हैं वो आप सबको पता है, एच लेते हैं, ठीक है। तो बराबर चौड़ाई की हम एन पट्टियों में बांट लेते हैं, कितने में, एन पट्टियों में बांट लेते हैं, यही हम सब में करते चले आए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहा है कि एन की वैल्यू किस तरीके से हमें रखनी है, ये डिफरेंस रहा है सभी में, ठीक है। पहले में भी हमने n भागों में बांटा था, दूसरे में भी हमने n भागों में बांटा है, इसमें भी n भागों में बांटेंगे। पहले में n की वैल्यू सम रखी गई थी, दूसरे में n की वैल्यू आपकी क्या रखी गई थी, 3 का गुणज रखी गई थी, लेकिन इसमें जो n की वैल्यू रहेगी वो आप लोग सम रख सकते हो और बेसम रख सकते हो, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आप इवन रख सकते हो, आप ऑड रख सकते हो, ठीक है। और जब n की वैल्यू आपके पास आ जाती है तो फिर आप कोटी निकाल सकते हो, यानी कि n प्लस 1 बराबर आपका कोटी हो जाएगा। कोटी कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू में 1 जोड़ करके आप लोग कोटी निकालते हैं। तो बस इतना सा नियम था, फिनिश हो गया। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो n की वैल्यू होगी, ठीक है, यानी भागों की जो संख्या होगी वो हम लोग सम भी मान सकते हैं, आपका विषम भी मान सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम आपका 5 मान सकते हैं, हमें अगर 6 मानना है तो 6 मान लेंगे, ठीक है। तो उसी के बेस पे कोटी आएंगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये आपका इतना सा बेसिक चीज़ था। अब h क्या है, तो दो कोटी के बीच की दूरी होती है जो कि b माइनस a बटे n होती है,
एन क्या है भागों की संख्या, बी क्या है आपका अपर लिमिट, ए क्या है लोअर लिमिट, ठीक है। इसके बाद और क्या चीज़ यहाँ पे जाननी है आपको, एज्यूम मैंने बता ही दिया क्या करना है। एज्यूम अगर आपको एन का वैल्यू दिया है तब तो ठीक है, एन का वैल्यू नहीं दिया है तो आप या तो सम मान सकते हैं या फिर आप विषम मान सकते हैं एन का वैल्यू, जो आपको मानना हो, ठीक है। और फिर उसमें एक जोड़ देना तो आपकी कोटियाँ निकल आएंगी, ठीक है। तो आपको इतना करना होता है, समझ में आ गया। इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना होता है, तो अगर आपसे एरिया पूछा है तो एरिया का फॉर्मूला आप लगा देंगे। क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एच बटे दो ब्रैकेट के अंदर पहली वाली कोटी, एक सेकंड, एच बटे दो पहली वाली कोटी प्लस अंतिम वाली कोटी, इसके बाद जो भी सारी कोटी बच जाएंगी उसको आप एक ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे और सबको जोड़ देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर आप पहली कोटी को y नॉट से दिखाते हैं, अंतिम कोटी को yn से दिखाते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर आपने y1 y2 से दिखाया है तो फिर आप ये वाला लगा सकते हैं, y1 प्लस yn प्लस 1, ये आपकी प्रथम अंतिम कोटी हो गई। फिर यहाँ हो जाएगा y2 से स्टार्ट, y2 y3 प्लस .. yn तक, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, तो आपको जिस तरीके से लगाना हो वो आप लगाइए, ठीक है। या फिर आप ये लगाइए या फिर ये लगाइए, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है। बस दिखाया यहाँ पे ये गया है कि यहाँ पे पहली कोटी को y नॉट से दिखाया है, अंतिम कोटी को y n से दिखाया है, इसमें पहली कोटी को y 1 से दिखाया है और अंतिम कोटी को y n प्लस 1 से दिखाया है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, बाकी के दो से तीन क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में रहेंगे, क्योंकि सारे एक ही मेथड के हैं। और अभी तक हमने 1/3 नियम पढ़ लिया, 3/8 नियम पढ़ लिया, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ईजी है, किस तरीके से टेबल बनानी है, कैसे n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे है आपका n का वैल्यू मानना, ठीक है। तो अगर 1/3 नियम है तो सम मानते हैं, 3/8 नियम है तो 3 का गुणज मानते हैं, और ट्रेपेजॉइडल है तो चाहे सम मानो चाहे विषम मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो देखिए दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसको आपको जो है सिम्पसन के तीसरा जो नियम है उससे सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें लिमिट आपकी 1 से 5 दी है और दिया है 1/(1+x)dx, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या है, आपको जो दोस्तों ए का वैल्यू है वो गिवन है 1, आपको बी का वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है। इसके बेस पे आप एच निकाल सकते हैं जो कि होता है बी माइनस ए बटे एन, बट एन आपको चाहिए होगा तो एन ही आपको यहाँ पे एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है, आप चाहे सम मान लीजिए या फिर विषम मान लीजिए, तो एन हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे हमारी कोटी कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे n का वैल्यू रख दीजिए, तो b का वैल्यू कितना है, 5 है, a का वैल्यू 1 है और n आपने 4 माना तो रख दीजिए, तो 4/4 के हिसाब से आपका 1 आ जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ h, h क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स, ठीक है। और कोटी 5 है तो आप कोटी की वैल्यू निकाल ली है, और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू की बात करूँ तो 1/(1+h) ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आप कंपेयर कर देना लिमिट a से b y dx, तो आपको y का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब कोटियाँ आपकी दोस्तों कितनी है, 5, तो आपको क्या क्या माननी है, एक a मानना है, एक a+h मानना है, फिर a+2h मानना है, a+3h मानना है, ठीक है। तो ये तो 4 कोटी हुई केवल, तो 5वीं कोटी को मैं नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर देता हूँ, a+4h, ठीक है। ये 5 कोटी हुई, आपको देख भी रहा होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। अब यहाँ पे पहले फाइंड करना x का वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड करना, x का वैल्यू। तो x के लिए पहले a रखिए, a आपके पास 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ रखेंगे 1+h, तो h आपका 1 है तो यहाँ पे हो गया 2। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो सारी की सारी आपकी कोटी थी, यानी कि 5 कोटी, वो मैंने जल्दी से निकाल दी है। अब क्या है, कैसे निकाली है, वो सबको पता है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों कोटी हमारी 5 थी, 5 की वैल्यू हमारी हो जाएगी a+h, a+2h, a+3h और a+4h, ठीक है। इसके लिए हमें x पहले निकालना पड़ेगा, तो x निकालने के लिए हम a का वैल्यू रखेंगे जो कि 1 दिया है, तो 1 हो जाएगा, फिर a+h, h का वैल्यू हमारे पास दोस्तों 1 है, तो 1+1 2 हो जाएगा, फिर a का वैल्यू 1, 2×1 यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर a का वैल्यू 1 था तो वो रख दिया, h 1 था तो यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए बेसिक कैलकुलेशन है, देखते जाइएगा, टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है। ए का वैल्यू 1 था, एच का वैल्यू 1 था, तो यहाँ पे 4 × 4 = 5, तो हमारी एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 आ गई। अब एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपका वाई मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो वाई मिल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/(1+1) यानी 1/2, फिर आ जाएगा 1/(1+2), 1/3 हो जाएगा। यहाँ से देख के रखना है, यहाँ से देख के यहाँ रखना है एक्स का वैल्यू, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, तो 1/(1+3) यानी 1/4, और 4 रखा तो 1/(1+4) यानी 1/5, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका 5 था तो 1/(1+5) हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से निकल आएगा 1/6, ठीक है। तो ये आपकी
किसकी वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये और एक ये होगी, ये आपकी कोटि हैं, एक बट्टा दो, एक बट्टा तीन, एक बट्टा चार, एक बट्टा पाँच, एक बट्टा छः, ये कोटि हैं। अब कोटि आपने इसको वाई जीरो माना है, इसको वाई वन माना है, इसको वाई टू माना है, इसको वाई थ्री माना है, इसको वाई फोर, तो देख लीजिए ये होगी वाई, इसकी वैल्यू वाई वन की वैल्यू, ये वाई टू की, ये वाई थ्री की, ये वाई फोर की, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, अब सिंपली फार्मूला लगाना है। तो फार्मूले में क्वेश्चन क्या दिया था, वन से फाइव लिमिट दी थी, वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला था दोस्तों एच वाई टू, फिर था योग पहली और अंतिम लिमिट का, तो पहली लिमिट वाई नॉट, अंतिम लिमिट वाई फोर है, ठीक है। तो उनका योग कर देना है और प्लस कर देना है दो, और गुणे में कर देना है बाकी जितनी लिमिट बची हैं। तो बाकी लिमिट हमारे पास है वाई वन, वाई टू और वाई थ्री, तो वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर देना, एच का वैल्यू वन था, बटे में दो हो जाएगा, पहली लिमिट एक बटे दो आई थी, अंतिम लिमिट एक बटा छः आई थी, ठीक है, प्लस दो हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा वाई वन का वैल्यू एक बटा तीन, ठीक है। इसके बाद देखिए वाई टू का वैल्यू एक बटा चार, वाई थ्री का वैल्यू एक बटा पाँच, ठीक है। तो ये सारी सारी हमने वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हो जाएगा एक बटा दो, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए छः एकम छः, दो एकम दो, यानी आठ बटे बारह, ठीक है। प्लस इसका आप एलसीएम ले लेना, मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये सैंतालीस बटे साठ आपका आ जाएगा, ठीक है। आप एलसीएम अगर साठ लेकर के हल करेंगे तो इसके काटिए, चार दूना आठ, चार ती बारह, तो ये हो जाएगा एक बटा दो, अंदर हो जाएगा दो बटा तीन, प्लस हो जाएगा सैंतालीस बटे में तीस, ठीक है, सैंतालीस बटे में तीस। आप इसका एलसीएम लेकर के इसको हल कर लेना, तो 1.11 और 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है लिमिट 1 से 5 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स की, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल सॉल्व होता है। देखिए कुछ भी अलग नहीं है, बस आपने एन का वैल्यू क्या माना वो आप पर डिपेंड है। आप सम और विषम में से कुछ भी मान सकते हैं, आप यहाँ पाँच भी मान सकते थे, तो फिर कोटि छः हो जाती, तो फिर यहाँ पे आपका एक वैल्यू और बढ़ जाता, ए प्लस फाइव एच, ठीक है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करना था सिंपली और लगा देना था। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपको करना है। देखिए पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों आपका दिया है लिमिट जीरो से वन, और वन अपॉन वन प्लस एक्स ही दिया है डी एक्स, लेकिन यहाँ पे एन का वैल्यू आपको पाँच दिया है और बोला है इसका मान निकालिए सिम्पसन के तीसरे नियम से, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हो। एक दूसरा क्वेश्चन दिया है लिमिट जीरो से फोर दिया है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया है, इसका भी आपको मान निकालना है, ठीक है। क्या करना है, मान निकालना, एक सेकंड देख लीजिएगा, एक सेकंड देख लीजिएगा, आपका दिया है लिमिट जीरो से फोर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और आपको क्या करना है, तीसरा जो नियम है सिम्पसन का, उससे इसका जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ पाई बाई फोर का भी वैल्यू आपको निकालना है, तो वो निकाल करके बता दीजिएगा। कैसे निकालेंगे मैं बता चुका हूँ आपको पहले क्वेश्चन में, ठीक है। पूरा जब सॉल्यूशन आपका आ जाएगा ना, तो आप इसका समाकलन कर दीजिए, और फिर आपका अपर लिमिट जब रखेंगे आप, ठीक है, तो आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से आप पाई बाई फोर का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट फोर आ जाएगी, तो आप टेन इनवर्स फोर की वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप टेन इनवर्स फोर की वैल्यू जरूर बताइए कितनी आ रही है, ठीक है, तो वो आपको बतानी है। तो ये दो क्वेश्चन आप कर लीजिए, अब जो दसवां चैप्टर वो आपको फिनिश हो गया, अब जो ग्यारहवां चैप्टर आपका बचा हुआ है उसको हम बहुत जल्दी अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी तीन से चार मैथड है जो कि बहुत जल्दी आपके आपके सॉल्व करा दिए जाएंगे, राइट। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में बता दीजिए, पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।